नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम और ये है हमारी खास पेशकश हॉलीवुड की फिल्म एवेंजर्स एंड गेम पर आधारित। हॉलीवुड की फिल्म एवेंजर्स एंड गेम 26 अप्रैल को दुनिया भर के कई देशों के साथ साथ भारत की 3000 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है। प्रोग्राम के शुरू में आपने पढ़ा होगा कि अगर मैंने एवेंजर्स एंड गेम नहीं देखी तो क्या मेरा देश, मेरा समाज मुझे स्वीकार कर पाएगा? ये कोई सवाल नहीं है बल्कि अघोरियों के देश भारत में वर्तमान की सबसे बड़ी चिंता है। जी हाँ, चुनाव 2019 से भी बड़ी चिंता है। इसे आप मेरी व्यक्तिगत चिंता भी मान सकते हैं और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया में इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच जो दीवानगी है वो फिल्म ना देखने वालों को ग्लानी से भर सकती है। आपके पड़ोस में रहने वाला कोई 10 या 20 साल का बच्चा या फिर आपका खुद का बच्चा इस फिल्म ना देखने पर आपको पिछड़ा हुआ समझ सकता है। खैर, ये मेरी व्यक्तिगत चिंता है और चिंता का समाधान यही है कि मैं खुद जाकर एवेंजर्स एंड गेम देख लूं। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम को देखना क्यों? तो आइए इस सेगमेंट पर नजर डालते हैं। एवेंजर्स एंड गेम आखिर क्या है इस फिल्म में जिसको लेकर सिनेमा के शौकीन पगलाए जा रहे हैं? तो हम आपको बताते हैं। दरअसल ये मार्वल सीरीज के बनाए सुपर हीरो कैरेक्टर्स की एक धुआंधार मारधाड़ से भरी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। 26 अप्रैल को भारत के लगभग 3000 सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। अगर आप छतरपुर के निवासी हैं तो इस फिल्म को आप हमारे शहर के एकमात्र सबसे आलीशान जेपी सिनेमा मल्टीप्लेक्स में भी देख सकते हैं। खैर, फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि फिल्म में थानोस नाम का एक भारी भरकम खलनायक है जो दुनिया के तमाम ग्रहों में आवाजाही करता है और उसने अपार शक्तियों से भरपूर अनेक मणियों को अपने हाथों में धारण कर रखा है और चुटकी बजाते ही वो किसी को भी मार सकता है। अब आप पूछेंगे कि मार क्यों रहा है भाई? तो उसका जवाब सिर्फ इतना है कि भाई साहब को इस बात से दिक्कत है कि दुनिया में इतनी भीड़ क्यों है। अब दुनिया को मारने वाला विलेन है तो सबका ठेका लेने वाले सुपर हीरो भी होंगे। बिल्कुल है, स्पाइडरमैन से लेकर आंटमैन तक और ब्लैक पैंथर से लेकर कैप्टन अमेरिका तक दर्जनों सुपर हीरो हैं जो थानोस से लोहा लेते नजर आएंगे। अब आपको बताते हैं कि इस फिल्म को एंड गेम क्यों कहा जा रहा है। दरअसल एवेंजर्स सीरीज की पिछली फिल्म इन्फिनिटी वॉर में सारे सुपर हीरो को थानोस ने खलास कर दिया था। अब दर्शकों को ये देखना है कि आखिर ये हीरो दोबारा जिंदा कैसे हो। फिल्म को एंड गेम जरूर कहा जा रहा है लेकिन जो लोग भी मार्वल सीरीज की इन फिल्मों को देखते हैं वो बताते हैं कि फिल्म के डायरेक्टर एंथनी और जो रूसो बड़ी चालाकी से इस फिल्म में कोई पुछल्ला छोड़ सकते हैं जिसको जोड़कर अगली फिल्म बनाई जा सकती है। इसलिए इसे फिलहाल एवेंजर्स सीरीज की आखिरी फिल्म नहीं समझा जा सकता। भारत में इस फिल्म की दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये भारत की 2800 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में से एक है और मुंबई के बडाला स्थित एक आइनॉक्स के मल्टीप्लेक्स में इस फिल्म को सुबह 3:30 बजे के शो में भी हाउसफुल रिपोर्ट किया गया है। यानी सुबह 3:30 बजे आदमी बिना कुछ किए सीधे फिल्म देखने पहुंच जाएंगे। 3 घंटे 5 मिनट की इस फिल्म के प्रति लोगों की दीवानगी का ही असर है कि गुरुग्राम में इसकी टिकट 2400 रुपए तक में बिक रही है। खैर, आप भाग्यशाली हैं, इसलिए छतरपुर के जेपी सिनेमा में इसकी टिकट 170 रुपए से प्रारंभ है। आप भले ही यकीन ना करें लेकिन ये सच है कि एवेंजर्स की पिछली फिल्म इन्फिनिटी वॉर में भारत में ही 200 करोड़ रुपए कमाए थे और दुनिया भर में कितने कमाते हैं ये आप गूगल कर सकते हैं। बहरहाल, इस फिल्म के बारे में मुझे जितना ज्ञान था मैंने आपको बता दिया और आपको अगर अपना ज्ञान बढ़ाना है तो इस फिल्म को देखना चाहिए और देखना इसलिए भी चाहिए क्योंकि अगर आपने एवेंजर्स एंड गेम नहीं देखी तो शायद ये समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा। नमस्कार।